फ्रेंड्स, अभी मैं बौद्ध में आ गया हूँ और यहाँ पर बौद्ध का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। बौद्ध जो स्तूपा, बौद्ध स्तूप जो है, इसका टॉप और इसके टॉप लेवल में एक 27 किलो गोल्ड है। इसमें जो है ना, मैं पांचवा छठवां मंजिला से ये नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ आपको। देखिए कितनी बड़ी है ये मंदिर। नीचे से तो 3D डायमेंशन में छोटा लगता है, लेकिन ऊपर से बराबरी में देखिए मंदिर की, लगभग मंदिर का बीच में जो है ना, बीच का पर्सन की बराबरी में मैं हूँ। अब बीच से भी इतना ग्रैंड दिखता है, देखिए ये तो एकदम ताजमहल से कम नहीं है देखिए, क्योंकि इतना ग्रैंड फीचर इसका है। और इस की ऐतिहासिकता को तो मैं उतना उजागर नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मुझे कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। ये बौद्ध स्तूप है और पब्लिक का रश देखिए कितना रश आवर में है। इवनिंग का टाइम है, अभी देखिए इवनिंग का टाइम है। ये आपको मनोरंजन के लिए और आपको दिल रखने के लिए मैंने इतनी हाइट से इस स्तूप को दिखाया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा चैनल गफाड़ी किंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अनसब्सक्राइब प्लीज़ मत करना, मैं मोनेटाइजेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ ये काम। ये काम मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कर रहा हूँ। 25,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए तब जा करके अपना एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। और मेरे को मत भूलना, साथ देना। इंसान में हर तरह की कमज़ोरी हो सकता है, और किसी की कमज़ोरी को तो उसकी मकसद के बाधक मत बनाना। इंसान है, इंसान से गलती तो हो ही जाता है। मेरे से भी जान अनजान में कहीं गलती हो गया हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कितने लोग जो है, मुझे लगता है मेरे पीछे पड़ के मुझे अनसब्सक्राइब करने का एक मुहिम चला रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आप साथ मत देना, और उनको भी मैं मिलाने की कोशिश करूँगा। इतने कहते हुए मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।